कानपुर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर ग्राम लोखंडिया में लगने वाले जिले के सबसे बड़े मोती माता मेले में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। पूर्णिमा पर लगने वाले इस 6 दिवसीय मेले के पहले दिन माता के दर्शन के लिए 3 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे। भीड़ के कारण 31 एकड़ में लगे मेले की 26 एकड़ मार्ग में भीड़ ही भीड़ नजर आई। ट्रस्ट अध्यक्ष लक्ष्मण झामू पवार ने बताया कि 121 साल से मेले का आयोजन किया जा रहा है। 6 दिवसीय मेले में पौष पूर्णिमा का विशेष दिन होता है, जिसमें माता का विशेष श्रृंगार कर आरती की गई और मंदिर पर ध्वज चढ़ाया गया। मंदिर सचिव प्रकाश राठौर और मेला अध्यक्ष अशोक राठौर ने बताया कि मेला 31 एकड़ में लगा है। 10 एकड़ पार्किंग व्यवस्था रही, जिसमें छोटी बड़ी 3000 दुकानें शामिल है। ट्रस्ट सदस्य ईश्वर जाधव ने बताया कि पहले दिन मन्नत के अनुसार तुलादान का दौर चला, इसमें करीब 1000 क्विंटल मिठाई चढ़ाई गई। मेले का समापन 10 जनवरी को होगा। मेला तो हर साल ही विशाल होते जा रहा है। पब्लिक ताकत से आ रही है यहाँ पे दर्शन के लिए माता जी का। बहुत प्रसिद्ध मेला है मोती माता के नाम से, लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हमारे मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जितनी व्यवस्था हो सकती है, हमने धीरे धीरे हर साल प्रत्येक वर्ष करते जा रहे हैं। फिर भी पब्लिक बढ़ने की वजह से मतलब ट्रैफिक में भी दिक्कत हो रही है और यहाँ पे भी परेशानी हो जाती है। जैसे मेला लगने को काफ़ी समय हो गया, 121 साल से मेला कंटिन्यू लगते चले आ रहा है। 3 से 3.5 लाख पब्लिक आई, पर ट्रैफिक में बहुत जाम लगा। पार्किंग की व्यवस्था कम पड़ गई है, इसलिए ट्रैफिक में जाम लगा। वो अगली बार उसकी व्यवस्था करना पड़ेगा। मतलब कितने बजे तक मेला भीड़ रही? एक जैसी भीड़ अभी 4 बजे तक रही, 10 बजे से 4 बजे तक।